जैसे कि ईगो की तरफ से प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए IMS पोर्टल बनाया गया है और यहाँ पर जानकारी आप देख रहे हैं। और विद्यार्थियों का ये भी कहना है जो यहाँ पर ये हेल्प के लिए क्वेरी के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर बताए गए हैं, विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि उनको पूरी उम्मीद है कि ये मोबाइल नंबर वर्किंग डेज में भी या तो बंद मिलेंगे, स्विच ऑफ मिलेंगे, या आउट ऑफ नेटवर्क एरिया मिलेंगे, या फिर बिजी आएंगे। और यहाँ पर जो पहला विकल्प है रजिस्टर लॉगिन का, जैसे ही IMS पोर्टल के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि या तो पोर्टल लोड होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, या फिर वेबसाइट अनअवेलेबल आ रही है, या फिर पोर्टल अंडर मेंटेनेंस आ रहा है, यानी कि इस पोर्टल को एक्टिवेट तो किया गया था लेकिन कुछ ही दिनों में ये सांस भूलने लग गया, इसके फ़िल्टर पाट चुके हैं। और इन फ़िल्टरों को समेटने में, अच्छे तरीके से दोबारा से फ़िल्टर सेट करने में यूनिवर्सिटी के फ़िल्टर कहीं ना कहीं फेल होते दिखाई दे रहे हैं, फ़िल्टर पाटते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर विद्यार्थी भी लगातार चिंतित हैं। क्योंकि फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं UG कोर्सेज के, उनको 10-11 दिन का समय ही यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है बिना लेट फीस के फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो ऐसे में विद्यार्थियों की इस बार फीस भी बढ़ाई गई है, जिसको लेकर विद्यार्थी लगातार नाराज़ भी हैं। और विद्यार्थी यही जानने की चाहना में है कि उनकी फ़ीस क्यों बढ़ाई गई है, फ़ीस क्यों इंक्रीज की गई है। और यहाँ पर विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि जो पोर्टल की मेंटेनेंस है, इतना ये चलता नहीं है, इतना ये बीमार रहता है, तो हो सकता है कि इसकी बीमारी के इलाज के लिए यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के जेब से पैसे वसूल करने के लिए विद्यार्थियों की फ़ीस बढ़ाई गई हो। तो इस संदर्भ में आप सभी अपनी अपनी राय ज़रूर दें।